सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीतम माझी, आप देख रहे हैं एवीपी रिसर्च। आज मैं आपको एक ऐसे कुंड की पड़ताल पर ले चलूंगा, एक ऐसा कुंड जिसको लेकर कहा जाता है कि उस कुंड में नहाने से शरीर के सारे रोग हमेशा हमेशा के लिए मिट जाते हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि कई सालों के अंतराल में भी उस कुंड का पानी अभी तक नहीं सूखा। तो आखिर इस कुंड के पानी की पहेली क्या है और क्या है इसका रहस्य, आइए जानते हैं। रहस्य जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मध्य प्रदेश की धरती पर कई राज बिखरे पड़े हैं और उन्हीं राज में से एक राज है खजिया पिंडी कुंड का। इस कुंड को लेकर कहा जाता है कि इस कुंड में नहाने से शरीर के सारे रोग खत्म हो जाते हैं। क्या वाकई मध्य प्रदेश में ऐसा कोई कुंड है? अभी हम ग्राम सेवासनी में हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 42 किलोमीटर दूर रायसेन ज़िले में, और ये वो रास्ता है जो खजिया पिंडी कुंड तक हमें ले जाता है। रायसेन ज़िले में ग्राम सेवासनी से 3 किलोमीटर दूर एक बड़ा राज दफन मिलता है। यहाँ पानी से भरा एक कुंड मिलता है जिस कुंड को खजिया पिंडी कुंड कहा जाता है, और इस कुंड तक जाने का बेहद कठिन सफ़र मिलता है। अभी हम ग्राम सेवासनी में हैं और हमारे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, हम इनसे जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? नीरज सिंह धाकड़। नीरज सिंह धाकड़, आप यहाँ ग्राम सेवासनी में रहते हैं। खजिया पिंडी कुंड के लिए जो रास्ता जाता है वो यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर दूर है रास्ता। यहाँ से जो रास्ता है यहाँ कैसा रास्ता है? कच्चा रास्ता है। कच्चा रास्ता है, बाइक वहाँ तक पहुँच जाती है? और जंगल का ऐसा कोई रास्ता कि आगे चल के जंगल में जाना हो? नहीं, उधर गाँव है, उधर तो पहुँच जाती है गाड़ी कभी। अच्छा, कुछ दूर के लिए हमें जंगल में जाना पड़ता है। जंगल में जैसे जाते हैं तो उस रास्ते में कोई जंगली जानवर का कोई खतरा? जानवर भी रहते हैं, खतरा है उसमें। इस पहेली की पड़ताल पर हम निकले उस रास्ते पर सफर करने वाला एवीपी रिसर्च पहला चैनल था। हमें इस रास्ते पर खूबसूरती भी दिखनी थी और खतरा भी, लेकिन इस कठिन सफर के बाद हमें जो कुछ भी दिखा वो हैरान कर देने वाला था। तो हम पहुंच चुके हैं उस पहाड़ी के पास जहां पर खजिया पिंडी कुंड है, और यहां से जो रास्ता है वो जंगल का रास्ता है। यहां से बाइक या कोई साधन आगे नहीं जा सकता, तो आगे का रास्ता हमें पैदल ही सफर करना पड़ेगा। यूं तो पर्वत की इस चोटी को आम चोटी मान लेना आसान था, लेकिन पर्वत पर पहुंचते ही हमारे सामने पहेली बनकर कई सवाल खड़े थे, जिन पहेलियों में से पहली पहेली थी कुंड का ये रास्ता। देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ पर आने जाने वाले लोगों से ये पगडंडी बन गई होगी। खजिया पिंडी कुंड को लेकर जो दावे हैं वो यही कहते हैं कि ये कुंड बीते कई सालों में अभी तक नहीं सूखा। दूसरा दावा यह है कि इस कुंड का पानी बहुत मीठा है। जिन पहेलियों की पड़ताल में हम पहुंचे वो चौंका देने वाली थी। तो जंगल का कठिन सफर करते हुए हम उस कुंड तक पहुंच चुके हैं। यहाँ से थोड़ी ही दूर वो कुंड है। पहले हमें जंगल के रास्ते ने चौंकाया, और चौंकाया उस कुंड ने जो सदियों से बह रहा है, जो मीठे जल से लबालब है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक हजारों साल पुराना ये कुंड है, और इस कुंड के बारे में कहा जाता है कि ये कुंड लोगों के शारीरिक दुख दूर करता है। तो हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर जिसको खजिया पिंडी कुंड कहा जाता है, और ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जो इस कुंड तक पहुंचा हो, लेकिन एवीपी रिसर्च पहला ऐसा चैनल है जो इस कुंड तक पहुंचा है। और सीधे मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा इस कुंड की। आप देख सकते हैं कि कुंड का पानी जो है वो दूधिया है, दूधिया पानी इस कुंड का है, और यही वो कुंड है जो 12 महीनों भरा रहता है, कभी इसका पानी नहीं सूखता है चाहे कोई भी परिस्थिति हो। और यही कुंड को लेकर कहा जाता है कि इस कुंड में नहाने से शरीर के सारे रोग खत्म हो जाते हैं। इस कुंड के बारे में कहा जाता है कि इसका पानी कभी नहीं सूखता। कितने से कितना बड़ा अकाल आ जाए, चाहे बारिश ना हो,
सूखा पड़ जाए, आसपास के सारे नदी तालाब सूख जाते हैं, पर ये एक ऐसा कुंड है जो कभी नहीं सूखता। हमारे साथ यहाँ के एक स्थानीय निवासी हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अमन नागर। कहाँ रहते हैं आप? सेवासनी, यहीं पास के गांव में। इस कुंड के बारे में आप क्या जानते हैं? ये कुंड हजारों साल पुराना है, कई पीढ़ियों से चलता आ रहा है। इसका पानी 12 महीने नहीं सूखता। इसका पानी बहुत मीठा भी है और ये पानी दो जगह से निकलता है। इसमें नहाने से अपने जो शरीर में रोग होते हैं वो जड़ से ही नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जड़ी बूटियों द्वारा पानी आता है। एक तो ये पिंडी है शंकर जी की, इसके नीचे से आता है, और दूधिया पानी ये पत्थर के नीचे से आता है। मिठास भरे जल से लबालब कुंड के पास लोगों ने भगवान शिव के चित्र को पत्थर पर बनाकर पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया और इसका नाम खजिया पिंडी कुंड रख दिया। ऐसा मानना है कि इस कुंड में नहाने से शरीर के रोग मिट जाते हैं। ये भगवान शिव का चमत्कार है या फिर पहाड़ से निकल रहे जड़ी बूटी वाले पानी की महिमा? ऐसे ही जाने अनजाने रहस्य को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, जिससे हमारी अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।